शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे। आज आजमगढ़ और वाराणसी में सीएम योगी ने विकास कार्यों का फीडबैक लिया, सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए ये भी आपको बताएंगे। नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके बाद दुकानों से नेम प्लेट हटने लगे हैं। इस मामले में पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है वो भी दिखाएंगे। यूपी में किस शहर में आज बुलडोजर एक्शन हुआ है और कहां कुर्की हुई है ये भी बताएंगे। छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने कहां पर जान दी ये खबर भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तमाम खबरें होंगी 7 बजे के बुलेटिन में। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल्स को अपने मालिकों के नाम और पहचान बताने वाले बोर्ड लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार और पहचान दुकान पर चस्पा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब ये कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहां पर मांसाहारी खाना मिल रहा है या फिर शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से नेम प्लेट हटा ली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे वहां पर युवक नेम प्लेट हटाता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगा दी है आदेश पर। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जिन ढाबों पर, जिन रेस्टोरेंट पर ये बैनर पोस्टर लगाए गए थे नेम प्लेट वाले, अब उनको हटाया गया है। ऐतिहासिक फैसला है न्यायालय का, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बोर्ड हटा दिया है? हाँ जी, हटा दिया है। और 26 तारीख तक अभी तो ये बात की रखी गई है, क्या परमानेंट हट जाने चाहिए? परमानेंट हट जाने चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला करा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे लेकर जब ये बोर्ड लगे थे, बस दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वो तो पड़ ही रहा था, फर्क काम पर फर्क था। नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी जारी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इसी के साथ सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। वही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि फैसला मुस्लिमों के साथ साथ दलितों और पिछड़ों के खिलाफ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, साथ ही सरकार फैसले की समीक्षा करेगी। कि बोर्ड के आदेश की समीक्षा सरकार करेगी ऐसा लगता है मुझे, लेकिन जो भी निर्णय होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमेशा उसको मानती आई है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि संविधान हमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान और उनका संरक्षण करने की प्रेरणा देता है। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हनुमानगढ़ी के संत महंत राजू दास ने कहा कि जहां कैंप लगे कांवड़िए वहीं पर खाना खाएं। कांवर यात्रियों से निवेदन है, आप जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, क्योंकि 1,00,000 से ऊपर वीडियो जो हम लोगों ने देखा है, वह वीडियो कहीं न कहीं से सनातन आस्था पर कुठारा खाद करने वाला है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। न्यूज 18 से बातचीत में लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि फैसला कांग्रेस सरकार के दौरान का था, जिनको समस्या है वो कांग्रेस के पास जाएं। न्यायालय में कोई जाता, जिसने भी जो भी न्यायालय गया है बहुत गलत है, और मान्य न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाना चाहिए और भविष्य में परंपरा बंद हो, मेरा ये कहना। और जो दल इस पर हल्ला कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार को पकड़े और राहुल गांधी जी से सवाल करें, चाहे हमारे साथ हैं या दूसरे वाले लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इस निर्णय को सही ठहराएगा। सीएम योगी ने आज आजमगढ़ में बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि वो संवेदनशील बने। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर सीएम योगी ने अधिकारियों को संवेदनशील बनने की नसीहत दी। जनप्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान सीएम से तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी। एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा था कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, जनता की छोड़िए जनता के प्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनते हैं। एमएलसी की शिकायत पर अधिकारियों को संवेदनशील बनने के लिए कहा सीएम योगी ने। सीएम ने एसपी और डीएम को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सीएम ने साफ साफ कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता दें, नहीं तो कुर्सी छोड़ दें। खबर वाराणसी से है। सीएम योगी वाराणसी मंडल की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक करते नजर आए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लगातार विकास योजनाओं की निगरानी की जाए, हर परियोजना के लिए एक अलग नोडल अधिकारी भी बनाया जाए, साथ ही सीनियर अधिकारी हर 15 दिन पर परियोजनाओं के कामों को लेकर जानकारी दें। सभी परियोजनाओं के लिए जो समय तय है उसी समय में काम पूरा किया जाए, शहर में जाम की समस्या ना हो, सड़क पर गाड़ियां ना खड़ी हों। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग काम में लापरवाही बरतते हैं, इसके अलावा जो लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने बाढ़ को लेकर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए, अधिकारियों को अलर्ट पोर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया। फिरोजाबाद में 2019 में एनआरसी को लेकर शहर में जमकर बवाल हुआ था। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपी की संपत्ति कुर्क की। यह आरोपी ना तो कोर्ट में हाजिर हुआ और ना ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर पाई। मामले में कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। बता दें कि एनआरसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने पथराव और फायरिंग की थी, साथ ही पुलिस चौकी सहित कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने आरोपी रफीक के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन तब से वो फरार चल रहा है। एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ है। निर्माणाधीन 3 मकानों को सील किया गया है। तीनों मकान पर पीडीए ने नोटिस लगाया है। बिना नक्शा पास कराए बन रहा था मकान, जिसके बाद अब यहां पर नोटिस सस्पेंड किया गया। बरेली के गौसगंज गांव में बवाल करने वाले आरोपियों पर अब बड़ी कार्रवाई हुई। आरोपी बख्तावर के मकानों पर बुलडोजर चला, अवैध निर्माण को गिराया गया। बवाल के बाकी आरोपियों के मकानों पर राजस्व विभाग की टीम ने नापजोक करने के बाद लाल निशान लगाया। बता दें कि गौसगंज में 19 जुलाई की रात एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला बोल दिया था, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल तेजराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जौनपुर में गैस पाइपलाइन फट गई। बिजली का खंभा लगाने के लिए ड्रिल की जा रही थी और इसी दौरान गैस पाइपलाइन फट गई। जौनपुर के नगर कोतवाली थाने के शाही किला रोड की घटना है।
मेरठ के मेला नौचंदी में एक कपल ने अश्लील हरकत की। मेले में किसिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें कपल खुलेआम सबके सामने किस करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो मेरठ के नौचंदी मेले का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। बिजनौर में कर्ज में डूबे एक लड़के ने जहर खाकर जान दे दी। मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी किस्त जमा करने का दबाव बना रहे थे, साथ ही बदसलूकी करने का आरोप भी है। बेइज्जती से आहत होकर सुसाइड करने का आरोप है। मृतक की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आए थे, आके धमकी देने लगे किस्त जमा करो। ये गई थी मजदूरी करने, आके बस उसे डांटना मारने लगे और बाढ़ आई भाई थी, हम कहाँ से करते किस्त जमा बताओ। हैं अरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, और उसकी गोली ला कर 7-50 की जो नाज उज में रखे हैं पैकेट, वो पड़वा यहाँ नाली में मिला। उन हम सब चले गए, उनने खा के सो गया, पड़ गया बच्चों में। महुआ में चिटफंड कंपनी फरार हो गई। गांव वालों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर रुपए जमा कराए और फिर कंपनी रफू चक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ की रकम जमा कराने के बाद कंपनी फुर्र हो गई। वहीं लोगों ने एसडीएम को भी शिकायत पत्र सौंप दिया। दो आईडी बोले, एक 1000 रुपये वाली बोले, एक खोले हैं 100 रुपये वाली। एक 3000 रुपये का महीना देते हैं और एक देते थे 1000 रुपये का महीना और एक देते 3000 रुपये का महीना। 6 साल से जमा कर रहे हैं, हमारे 96000 रुपये जमा है। तो अब पूरा हो गया तो जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी अच्छी बात, जब ऊपर से पैसा आएगा तब मिलेगा पैसा। आगरा में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। एक शातिर को गिरफ्तार किया जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने ठिकाने से नकली करेंसी और नोट छापने का सामान बरामद किया। ढोकी थाना पुलिस ने छापेमारी की। पूछताछ में शातिर ने बताया कि डिमांड के हिसाब से नकली नोट छापा करते थे। 3 नकली नोट के बदले उनको 1 असली नोट मिला करता था। हरदोई में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने जान दे दी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बेहटा गोकुल के उमरन गांव की घटना है। नोएडा में महंगी गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनाते थे। आरोपियों के पास से 10 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग चोरी करने के लिए बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। खास सॉफ्टवेयर की मदद से मिनटों में गाड़ी के सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते थे। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, चेन्नई और नॉर्थ ईस्ट में चोरी की गाड़ियों को बेचा करते थे। बता दें कि अभी तक ये गैंग 100 से अधिक गाड़ियों को चोरी कर चुका है। बहुत प्रयास के बाद मेरी एसीपी का और एडिशनल सीपी सभी ने बहुत मेहनत की, थाना अध्यक्ष ने और पूरी टीम ने, तो आज पकड़े गए 6 लोग पकड़े गए हैं 112 एफएनजी के पास से। ये फिर गाड़ी चुराने गए थे और इनसे 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ पर बहुत सारा डेटा निकला है हमारे पास, जिसको अभी हम वेरीफाई करेंगे। और बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की हैं, सप्लाई की हैं, और आज इनको हम जेल भेज रहे हैं और रिमांड ले करके अगली जो भी कार्रवाई होगी, जो भी बरामदगी होगी, फिर आपसे हम शेयर करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां पर बंथरा में लड़के की हत्या हुई है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बंथरा में लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। लड़के के पिता और भाई को भी पीटा गया था। गांव के लड़कों पर हत्या का आरोप लगा था। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। थाना बंथरा के अंतर्गत बंथरा में एक बिजली को लेकर के मारपीट झगड़े की घटना हुई थी, जिसमें प्रातः पता चला कि एक लड़का ऋतिक पांडे, उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मतलब इलाज के लिए ले गए थे, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो डेट दाखिल हुआ है। आगरा में महिला ने अपने दोस्त और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला ने थाने में तहरीर दी। महिला का कहना है कि दोस्त होटल का मैनेजर है और देह व्यापार में शामिल है।
महिला को जब ये बात पता चली तो लड़की ने बात करनी बंद कर दी। पुलिस को तहरीर में आरोप है कि रात को होटल का मैनेजर, उसका दोस्त और अपने साथियों के सेल्फी पॉइंट पर आ गया और महिला को जबरन कार में बिठा लिया, फिर चलती कार में रेप किया। महिला शादीशुदा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। दिनांक 30 जुलाई 2024 को थाना ताजगंज पर उपस्थित होकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने ये कहा कि उसके साथ रात में 11 बजे जब वो टीडीआई मॉल के पास जा रही थी अपने कैफे में काम करने वाले एक मैनेजर के साथ, तो दो लोग पीछे से आए और उन्होंने उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करी। थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का बजट पेश करेंगी, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं और नीतियों की रूपरेखा तय करेगा। कल न्यूज 18 पर हिंदी में देखिए पूरा बजट। बिजनौर में कांवड़ियों ने रोड पर हाइट गेज लगाने को लेकर हंगामा कर दिया। डीजे नहीं निकलने से कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और रोड पर जाम लगा दिया। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने हाइट गेज तोड़ दिया और अपनी गाड़ी निकाल कर ले गए। बता दें कि भूतपुरी जसपुर मार्ग पर एक पुल पर भारी गाड़ियों को रोकने के लिए ये लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की और कांवड़ लेकर आगे बढ़ गए। वाराणसी में कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम समुदाय ने लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में गुलाब के फूलों की थाली लेकर पुष्प वर्षा की। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने भी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत स्वीकार किया। गंगा जमुनी तहजीब है, हम इनको जो इस तरह ये तिरंगा मेरे हाथों में, 140 करोड़ का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रहते हैं और ये जब बाहर से आए हुए इनका फूलों की वर्षा करेंगे, पानी पिलाएंगे, सबके गांव में जाकर संदेश देंगे कि बनारस में गंगा जमुनी की तहजीब देखा, वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने मेरे ऊपर फूल देखा, फिर संदेश दे रहे हैं मिलजुल कर हिंदुस्तान में सबको रहना है और यही रहना है और ताना बाना भी उन्हीं के साथ जुड़ा रहना है। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर मुजफ्फरनगर में कांवड़िये भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जल लेकर निकले। कांवड़िये नाचते गाते हुए जल लेकर जाते देखे, हर तरफ बोलबम के जयकारे गूंज रहे थे। बार बार कांवड़ियों का रेला जुटा हुआ है, बड़ी संख्या में कांवड़िये दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से कांवड़िये देखिए इस गाड़ी में सवार होकर के पहुंचे हैं और पूरा जोश आई है। कितना जोश आई है इस बार, बहुत बोल शंकर भगवान की, बोलबम बोलबम जयकारा वीर बजरंगी का, बोल सच्चे दरबार की। देखिए ये कांवड़ यात्री हैं जो यहाँ से हरिद्वार जाएंगे और वहां से जल लेकर के फिर ये वापस पैदल लौटेंगे। सर किस तरीके से इस बार की कांवड़ यात्रा को आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। हम पैदल आना चाहते हैं वहाँ से सर, हमारा हरिद्वार से दिल्ली पद यात्रा। ये कहा जा रहा है कि पहले जब कांवड़ यात्री आते थे पैदल तो रेस्टोरेंट्स पर, तमाम जगहों पर खाने पीने की ऐसी चीजें मिलती थी जिससे कांवड़ खंडित हो जाती थी, यात्रा खंडित हो जाती थी। क्या कहेंगे आप, अब इस बार सरकार ने नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है रेस्टोरेंट्स पर, कैसे देखते हैं? बढ़िया करा सरकार ने, बढ़िया करा, बहुत अच्छा, वो अच्छा करा सरकार ने। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले भी दिक्कत कुछ भी नहीं था। दिक्कत ये थी सर कि वहाँ पहले जहाँ पाते थे लोग। सावन के मौके पर वेस्ट यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है। बात करें अगर मेरठ की तो हरिद्वार से कांवड़ लेकर कांवड़िये जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के गीतों पर झूम भी रहे हैं। शिव भक्तों ने बेहतर इंतजाम के लिए योगी सरकार और पुलिस की तारीफ की। हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सकाहा गांव में शिव संकट हरण मंदिर काफी प्राचीन है। सावन के पावन महीने में हर दिन यहां पर हजारों श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग खुद से निकला है और दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह ये भूरा, दोपहर में काला और शाम को सुनहरा हो जाता है। लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। प
पहले यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत में लाला थे, एक ब्लॉक 52 पड़ता है, तो वहाँ के लाला थे, तो उनका लेन देन में ब्रिटिश हुकूमत में कुछ गड़बड़ रहा, तो उनके लड़के को फांसी बोल दी गई थी। वहाँ का बरेली में हरदोई में फांसी लगती नहीं थी, तो वो इधर से गुजर के जा रहे थे। जब वो इधर से जा रहे थे तो जंगल था, तो जंगल में तो पगडंडी टाइप की रोडें होती हैं, तो वो बैठ गए, साथ आने लगे, कुछ हाथ लगाया तो मालूम हुआ, कुछ प्रतीत हुआ, तो उन्होंने और खोला, तो वो उसमें कुछ पत्थर टाइप का महसूस हुआ, तो उन्होंने और खोला, तो कुछ बाबा की जागृति की बात है, तो उनके मन में आया कि उन्होंने कहा, बाबा यदि मेरा संकट है आप हर लेते हैं, आप बाबा हैं, तो यदि मेरे बेटे की अगर फांसी बच जाती है तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा, और इतना वो कह करके बंद करके चले गए। सहारनपुर के सरसावा में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। नालों के ओवरफ्लो होने की वजह से जलभराव हुआ। सरसावा कस्बे में जलभराव के बीच से कांवड़िए गुजरते नजर आए। अंबाला हाईवे के किनारे पर मौजूद दुकानों में भी पानी भर गया। खबर उन्नाव से। उन्नाव में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि महोबा बस डिपो की बस लखनऊ से चलकर कानपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान वो अजगैन कोतवाली क्षेत्र में खड़े ट्रक में टकरा गई। इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। आगरा में कांवड़ चढ़ाकर वापस अपने गांव जा रहे चाचा और भतीजे को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों के इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना बाग क्षेत्र के भावपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। दोनों कांवड़ का जल चढ़ाकर वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अज्ञात गाड़ी ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर थाना पुलिस के साथ ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। हाथरस में रोडवेज बस के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में रोडवेज बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। कोतवाली सिकंदर राव क्षेत्र के कासगंज रोड पर यह हादसा हुआ। एक बस कासगंज डिपो की ओर और दूसरी बुलंदशहर डिपो की ओर जा रही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने प्रतिबंध हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया। पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में न सिर्फ जाने पर प्रतिबंध था, बल्कि शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान था। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द उठेंगे कुछ और खबरों के साथ।